नमस्कार। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत दिनों से वायरल हो रही थी कि सड़क उखड़ गए हैं, जो अभी नए नए सड़क बने थे वो उखड़ गए हैं, और यहाँ के जो लोग हैं उससे काफी परेशान हैं। तो काफी छानबीन करने के बाद पता चला कि ये राप्ती नगर फेज 4 की सड़क है, जो कि लिटिल फ्लावर स्कूल की तरफ जाती है। और यहाँ पे हम पहुंचे, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे हमने बात किया तो इन्होंने बताया कि ये सड़क अभी कुछ माह पूर्व ही बना है, निर्माण हुआ है इसका। और ये आपके सामने जैसे दिख रहा है कि जगह जगह इसकी जो इंटरलॉकिंग जो ब्रिक्स होते हैं उखड़ गया है। तो हम इनसे बात करेंगे, सर बताए कब ये बना था। ये विगत 2 माह पूर्व जो है इस इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ है। इंटरलॉकिंग कार्य होने के बाद जो है ये पहली बरसात नहीं, लिटिल फ्लावर मोड़ से लेकर के डॉक्टर प्रशांत, हाँ डॉक्टर प्रशांत बनर्जी, प्रशांत प्रसन्नजीत बनर्जी जो दांत के डॉक्टर हैं, वहाँ तक जो सड़कें बनी हैं वहाँ तक इंटरलॉकिंग बहुत जगह जो है बहुत जगह ये धस गया है। इससे दुर्घटना की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि जो इंटरलॉकिंग धस गया है उसमें किसी बुजुर्ग का पैर पड़ जाए तो निश्चित रूप से वो दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। यहाँ के स्थानीय पार्षद आपके कौन हैं, जिनसे आपने शिकायत किया क्या इसके बारे में? यहाँ के हमारे स्थानीय पार्षद श्रीमती सरोज पासवान जी हैं, लेकिन उनके पति श्री चंदू पासवान जी ही सब कार्य देखते हैं। कई बार उनसे फोन किया गया लेकिन वो कहते हैं कि मैं मीटिंग में व्यस्त हूँ, मैं आऊंगा, समय निकाल के आऊंगा, फिर देख लूंगा, लेकिन आते नहीं है, आए नहीं। आए नहीं, और उनके संज्ञान में ये सारी बातें हैं। हाँ, उनके संज्ञान में ये सारी बातें हैं। हाँ, उनके संज्ञान में सारी बातें हैं। वो आते हैं सुबह मोटरसाइकिल से, अपना सुबह आते हैं मोटरसाइकिल से, आते हैं घूमे घामे निकल गए, किसी से मिलना नहीं, किसी से किसी बात से। नहीं हाँ, करना। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या आप लोग की मांगी क्या है? हमारी क्या है, मांग हमारी तो रिक्वेस्ट यही है कि ये सब जो भी काम बन हो रहा है वो थोड़ा ढंग से हो, ताकि ये बार बार जो है सरकार को जो है और लोगों को चपत ना पड़े और हम लोगों को जो है सुख सुविधा मिलती रहे। यही सड़क की क्वालिटी देखिए और ये साइड का पटरी का जो है इंटरलॉकिंग की क्वालिटी देख लीजिए, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो ऐसे समय में सर जो है हम तो यही कहेंगे कि ये सब जो है क्वालिटी इसकी ठीक कराई जाए। और यहाँ पे सफाई कर्मी भी जो है अपने मर्जी के मालिक हैं। जो है आप एक नज़र दिखाइए, हर जगह जो है कूड़े का ढेर आपको जो है पड़ा हुआ, आपके पीछे ये देखिए छर्री लगी हुई है, कोई उठाने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। हाँ, 15 दिन लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन जहाँ मर्जी होती है वहीं सफाई करते हैं, जहाँ मर्जी होती है वहीं उठाया जाता है। यहाँ पे कोई भी देख लीजिए, यहाँ से वहाँ तक जो है पूरा देखिए, ये बगल में देखिए ये कूड़ा है, ये कूड़ा है, हर जगह देखिए पूरा गंदगी का अंबार लगा हुआ है। 15-20 दिन में एक बार जो है वो सफाई कर्मी आएंगी, महिला है कोई जो है वो साफ करके किनारे रख देंगे, उसी दिन साइड ठेला आएगा और जो समझ में आया उठा ले जाएगा, जो है नहीं समझ में आया वो सब पड़ा रहेगा। और बारिश के दिनों में अगर कुछ जो है दिक्कत आती है सर, जो है ये संचारी रोग संक्रमण फैल रहा है इसमें जो है, और छोटे छोटे बच्चे भी हैं अगल बगल, बच्चे खेलते रहते हैं और संचारी रोग है, बारिश इस तरह से हो रही है तो कौन जिम्मेदार होगा साहब? जिन्होंने सड़क बनवाया है वो, या वो मजदूर जिसने बनाया है? तो ये सारी समस्या है हमारे यहाँ की जो है। हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से ये सारी चीज़ें पहुँचे और उसमें जो है जितना अच्छा से अच्छा हो सकता है कोशिश करे जा, ये लोग करें कि जो है ये ठीक हो जाए। ये है जो है लिटिल फ्लावर सड़क जो है, डॉक्टर देवेश गुप्ता है स्किन रोग स्पेशलिस्ट जो है, उसी से सीधे लिटिल फरौले सड़क पर ये है, ये ITI से अंदर आना है तो वहाँ पे डॉक्टर PK सिंह है, डॉक्टर PN सिंह की मोड़ के सामने जब डॉक्टर देवेश गुप्ता है, वहाँ से सीधे लिटिल फरौले सड़क जनता इंटर कॉलेज के पीछे, जनता इंटर कॉलेज के पीछे, जनता इंटर कॉलेज के पीछे रेल विहार फेज 2 लिटिल फ्लावर राप्ती नगर चतुर्थ चरण और लिटिल फ्लावर वाली सड़क पे। आप बोलिए सर, अपना दरवाजा दिखाइए। ये सड़क और इंटरलॉकिंग का कार्य समाप्त होने के बाद जो मलबे निकले थे, ईंटे टुकड़े इस तरह से, इनको ये इन लोगों ने कहा था कि हम इसको सफाई करवाएंगे, उठवा के फेंकवा देंगे, परंतु हर एक के दरवाजे पर जा करके देखिए ईंटों का अंबार लगा हुआ है, कहीं जो है उसको भी उठवाने की व्यवस्था नहीं हुई, चूहे घर कर रहे हैं उसके अंदर, और भी पता नहीं जहरीले जीव जंतु उसके अंदर बास कर रहे हैं कि नहीं, ये तो बात की बात है, इसको तो देखा नहीं गया है।
लेकिन किसी के घर के सामने इस तरह से प्रशासन के कार्य के द्वारा, ये हमने तो कराया नहीं, ये तो उन लोगों ने कराया है। और इसको करवाने के बाद सड़क जब बनी, इंटरलॉकिंग का काम जब हुआ, ये इसके अंदर जो वाटर सप्लाई की पाइप गई थी ये सारे टूट गए थे। जलकल विभाग वालों से बात किया गया, पहले तो पार्षद से बात किया गया, फिर जलकल विभाग वालों से उन्होंने नंबर दिया, जलकल विभाग से बात किया गया, सीधे सीधे उन्होंने ना कर दिया कि भाई ये हमारे द्वारा कार्य नहीं किया जाएगा, आपको मैं लेबर मिस्त्री में प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, इसको आप अपने स्तर से काम को करवा लीजिए। इसके लिए हर व्यक्ति जिसके जिसके घर के सामने पाइप टूटी थी, सारे लोग जो है अपने स्तर से जो है उनको पैसा दे करके पुनः पाइप खरीद करके उसका कार्य को कराया है। तो क्यों, ये हमने तो कराया नहीं था, हमने तो बोला नहीं था कि इसको तोड़ने के लिए, ये तो प्रशासन ने का एक प्रोजेक्ट, ठेकेदार दादा आए थे, प्रशासन का एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट के अंतर्गत इस कार्य को किया गया।